अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपनी के जब शेयर्स परचेज करने होते हैं तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शिफ्ट करेंगे। और सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस असल में होता क्या है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, वो प्रॉफिट में जा रही है या नुकसान में जा रही है, या फिर उसकी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो क्या है, प्रॉफिट टू इक्विटी रेशो क्या है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं, यानी कि हम बिल्कुल स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को छोड़ देते हैं और कंपनी के बारे में देखते हैं कि वो कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं और सब कुछ। असल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मसला क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और जो फाइनेंशियल हालात हैं पाकिस्तान के, या फिर वो जो पॉलिटिकल खासकर जो चीज़ें हैं उनकी बेस पे चल रही होती है, तो इतना ज़्यादा टेक्निकल पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फंडामेंटली एनालिसिस करके अगर हम एक अच्छी कंपनी के शेयर ले लें तो वो लॉन्ग टर्म में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो EPS होती है। EPS इज अर्निंग पर शेयर। तो हमने ये देखना होता है कि अर्निंग पर शेयर कंपनी की कितनी, ओवरऑल अर्निंग कितनी, और पर शेयर पे डिवाइड करके वो पर ईयर अर्निंग कितनी आ रही है। तो ये नेगेटिव में भी हो सकती है, तो ओवरऑल ज़्यादातर जो है ये पॉजिटिव में ही होना चाहिए। ज़्यादा ट्रेंड जो है, खासकर एनुअल अर्निंग शेयर्स तकरीबन 5-6-8 साल की अगर किसी कंपनी की पॉजिटिव में जा रही हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग कंपनी समझी जाती है। ये सबसे पहली चीज़ जो है वो देखनी होती है। अच्छा, ये आज की वीडियो में मैं जो जो चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ ना, इनको साथ साथ मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको एज मैंने कहा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ डेटा सोर्स मैं कौन सा यूज़ करूँगा, कौन सी वेबसाइट यूज़ करूँगा जिसके थ्रू आपको ये सारी डिटेल्स दी जाएँ, जहाँ पर जाके आप भी देख सकें तो हर कंपनी की। तो इसमें अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट हो तो जिस ब्रोकर के थ्रू आपने लिया हुआ होता है अकाउंट, तो उसने भी आपको दिया हुआ होता है ये पूरा इंटरफेस। इसमें जो है वो हर स्टॉक पे आप जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी अकाउंट नहीं बनवाया तो ये जो स्टैंडर्ड कैपिटल है ना, इन्होंने अपना डाटा जो है वो सारा रखा हुआ है पब्लिक। तो आज की वीडियो में फिर हम यही स्टैंडर्ड कैपिटल ही यूज़ करेंगे ताकि सारे जो है इसको अच्छी तरह से फॉलो कर सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उनकी वेबसाइट पे जाना है, फिर यहाँ पे नीचे जाके ना किसी के भी इसको क्लिक करके आप इस तरह के उसके पेज पे आ जाएंगे स्टॉक के। तो यहाँ पे उसका सिंबल आप चेंज कर सकते हैं और फिर अपने उस पे जा सकते हैं स्टॉक पे। या फिर अगर आप इस तरह नहीं जाना चाहते, सर्च आपको सिंबल नहीं पता, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं, वो सर्च लिस्ट में आएगी, उसको क्लिक करके आप उस पे जा सकते हैं। मैंने 4-5 कंपनीज जो हैं वैसे ही ढूंढ के रखी हुई हैं, 5-6-7-8 एग्जांपल के लिए। तो सारी जो भी मैं आपको दूंगा ना, बताऊंगा जो जो पॉइंट्स उसमें, ये फिर साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स जो है यहाँ से भी समझाता जाऊँगा। सबसे पहले था हमारा EPS। EPS देखने के लिए आपने मसलन ये एंग्रो फर्टिलाइज़र के पेज पे हम आ गए स्टैंडर्ड कैपिटल के। तो इसमें EPS अर्निंग पर शेयर, ये लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर इनकी है 6.59। इनका जो अभी है शेयर की प्राइस वो तकरीबन 158 रुपीज़ है, और इनका तकरीबन 6.6 रुपीज़ जो है वो अर्निंग पर शेयर है लास्ट क्वार्टर की। इसी तरह अगर लास्ट ईयरली उनकी देखें तो 19.23 इनकी है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ से आप अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं। फिर इसी तरह मुख्तलिफ की जो है ना, जैसे PIA अगर नुकसान में जा रहा है तो वो उसकी नेगेटिव में होगी। कुछ अर्सा पहले ही ये मैंने PIA का ग्राफ देखा था, उसके स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था क्योंकि वो हमेशा नुकसान में रहता था, लेकिन ये ग्राफ देख के तो मेरी आंखें खुल गई कि इनका क्वार्टरली जो है वो कभी भी फ़ायदे में नहीं गया है कि सिवाय छोटे से फ़ायदे के, और वो नेगेटिव में ही जा रहा है। इतना कोई वो उसको मिसमैनेज किया जा रहा है। खैर, तो सबसे पहले आपने EPS जिसकी बात हुई है, अर्निंग पर शेयर जो आपने देखना है वो आप यहाँ से आके देख सकते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये आपको कुछ अच्छी और बुरी एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है EPS ग्रोथ, के ईयर टू ईयर EPS आपका ग्रो कर रहा है, यानी अगर किसी कंपनी का ईयर टू ईयर EPS अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रही है तो वो काफ़ी स्ट्रांग कंपनी समझी जाती है। जैसे एग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह और इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जो
ईयर टू ईयर जिनकी सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ ही कर रहा है, तो क्योंकि उन्होंने जो अपने सारे एक्सपेंसेस हैं वो कर लिए होते हैं शुरू में, और अब जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो उनको कोई रनिंग कॉस्ट वगैरह पे इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, और ओवरऑल उनका बिजनेस एक्सपेंड ही कर रहा होता है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी एक साल नीचे जाता है, वो कभी किसी मशीनरी की या किसी चीज़ की मेंटेनेंस हो सकती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रो कर रहा है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सेकंड चीज़ जिसकी बात हुई है वो है ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। तो ये जैसा कि पिछले कई सालों की अर्निंग पर शेयर है एग्रो फर्टिलाइज़र की, इसकी आहिस्ता आहिस्ता अगर देखें ईयर टू ईयर ये अपनी वो इम्प्रूव ही कर रहे हैं और इनकी ग्रो हो रही है। अब एक आध साल का अगर कोई नीचे जाती है तो जाहिर है उनका कोई मेंटेनेंस या कुछ और हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तो बायर की आपकी जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और ये वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। तो इस कंपनी में आप बड़े आराम से जो है ना वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसी तरह EPCL है, इनकी आहिस्ता 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 ग्रो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि इनकी क्यों नीचे जाने लगी। ये इसलिए कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ये एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो उन मटेरियल्स पे डिपेंड करती हैं जो कि बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। तो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली काफ़ी इम्पोर्ट बैंस वगैरह भी लगाए थे, क्योंकि लोकल करेंसी हमारी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो लगाए थे, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे गया है। लेटेस्ट जो इस दफ़ा उनका ये माइनस में गया, पहली दफ़ा वो इनकी जो कास्ट हैं वो कुछ बढ़ गई थी, गैस वगैरह की प्राइस वगैरह का भी इफ़ेक्ट हुआ है इन पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब आगे एक आध क्वार्टर और देखा जाए और वहाँ पे फैसला किया जाए। इसी तरह DCR है, ये शुरू में तो एक इनको तकरीबन उसी वक्त इन्होंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी बड़ी ही है अर्निंग्स। डॉलमिन सिटी रीट, ये कुछ स्पेसिफिक रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसका शेयर है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनकी जैसे जैसे ऑक्युपेंसी बढ़ती गई वो शेयर की अर्निंग भी बढ़ती गई, तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। इसी तरह SPWL, ये एक उसका शेयर है पावर जनरेशन कंपनी, तो इनकी भी काफ़ी ऊपर जा रही थी, फिर ये सोलर का ट्रेंड वगैरह भी आया, उसकी वजह से नीचे थोड़ी गई होगी इनके। और वैसे जब जब ज़्यादा हो गए ये पावर की कंपनीज और इतनी डिमांड नहीं रही उसकी वजह से, और ये लास्ट यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब ये अगर मैंने रिपोर्ट ना पढ़ी होती इनकी, तो ये मुझे मैं इसको लॉस ही समझ रहा होता, ये जो यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ये असल में कोई एक स्टैंडर्ड था जिसमें इनका एक एक्सपेंस था, जो कि 3-4 साल से वो काफ़ी अर्सा से वो अपनी अर्निंग में एडजस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई लेटेस्ट स्टैंडर्ड चेंज की वजह से उन्होंने ये हुआ कि वो सारी कंपनीज ना उन पे था लागू था कि उन्होंने उसको अपनी अर्निंग से एडजस्ट करना है। अब उन्होंने जब 3-4 साल का पिछला एडजस्ट किया तो वो उनकी 2023 की अर्निंग जो है वो 0.87 शो हुई, जबकि वो असल में उस ईयर की अर्निंग उनकी ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने 4 रुपये तकरीबन इस पे डिविडेंड भी दिया है इस ईयर में, 4 रुपये से ज़्यादा। लेकिन ये लॉस में इसलिए वो शो हुआ है कि उन्होंने वो चीज़ पिछले 3-4-5 साल का एक्सपेंस जो है उसको एडजस्ट किया। तो ये साथ अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ें तो फिर ये आपके को एविडेंट हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन खैर, इसकी भी जो ट्रेंड था पहले ऊपर जा रहा था, फिर ये आप नीचे आया, फिर आगे देख के आप तकरीबन यहाँ पे फ्लैट है कुछ साल से, तो आगे देख के फिर आप ये बता सकते हैं उस पे। ये जो आपने मसलन ये अगर लेके रखा हुआ है तो रिपोर्ट्स देखना ज़रूरी है बहुत अच्छा। फिर इसी तरह इसका ट्रेंड भी यही है, का तो माइनस में ही है, इसको तो आंखें बंद करके साइड पे कर दिया ना, तो और ये नेशनल फूड ये ऊपर ऊपर ही है जा रहा है, इस लिहाज से, इस मैट्रिक के लिहाज से तो ये कंपनी पास है कि इनका ट्रेंड ऊपर था। अब यहाँ पे ये मिसाला जात और उन चीज़ों की कंपनी है ना, अब ये कोविड वगैरह की वजह से जब रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगी, रेस्टोरेंट्स बंद हुए, तो उन दिनों ज़ाहिर है ये जो इनके मसाले वगैरह ये वो उनकी सेल्स भी इफ़ेक्ट हुई होंगी, तो उन दिनों देखें ये ट्रेंड नीचे, और जैसे ही अब वो चीज़ें चीज़ें खुली हैं तो अब ऊपर फिर वापस ऊपर चला गया। तो इसी तरह ये वेव्स कंपनी है, उनकी पहले ये बड़ा स्मूथ जा रहा था, फिर ये नीचे आने लग गया, तो इस ट्रेंड को देख के शेयर होल्ड करने का, शेयर लेने का सोच सकते हैं।
मसलन 2019 तक इनकी वैसे भी शेयर की प्राइस जो है वो बेहतर थी, फिर ये कोविड की वजह से इनकी सेल्स अफेक्ट हुई होंगी, बाकी चीज़ें तो बाद में, ये जब इनके EPS ये स्पेशली यहाँ पे जब माइनस में आया तो इनकी जो प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी गिरी भी होंगी। तो अगर आपने प्राइसेस वगैरह भी साथ देखनी हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप चले जाएं psx.com.pk, इस पे आप उनकी डाटा पोर्टल पे चले जाएं और फिर साथ ये मसलन अगर वेव्स का आपने ट्रेंड देखना है प्राइसेस का तो आप वेव्स को खोल लें और फिर ये 5 साल का ट्रेंड ना आपको ये पता नज़र आ जाता है कि ये कहाँ पे, और ये देखें ये जिस तरह इसमें पीक्स डिफरेंट आ रही हैं और फिर डिफरेंट टाइम्स पे ना इनकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो ये भी साथ साथ आप देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये कि किसी भी शेयर की प्राइस के अगेंस्ट उसकी अर्निंग कितनी है। मतलब अगर किसी शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़ और उसकी अर्निंग 2 रुपीज़ है पर ईयर में, तो ये काफ़ी जो है वो हाई प्राइस टू अर्निंग रेशो समझी जाती है। अगर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, तो इसको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी अक्सर कहा जाता है। तो 50 के मल्टीपल पे अगर कोई कंपनी है तो ये ह्यूजली ह्यूजली ओवर प्राइस्ड समझा जाएगा इसको। जबकि अगर कोई एक कंपनी है जिसकी अर्निंग 25 रुपीज़ है और वो 100 रुपीज़ उसकी शेयर की प्राइस है, तो वो उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो तकरीबन 4 आएगा, जो कि 4 काफ़ी अच्छी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। यानी कि जितना ये मल्टीपल छोटा होगा इतना शेयर जो है वो अंडर प्राइस्ड समझा जाता है। तो अंडर प्राइस शेयर आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, जबकि ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है तो फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर इसकी अर्निंग बेहतर हो या प्राइस नीचे आए तो फिर उस वक्त ज़्यादा खरीदा जाए। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स काफ़ी शेयर्स के 4 to 8 के दरमियान इस तरह चल रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। जबकि अगर किसी का 28, 26, 25 पे चल रहा है तो वो काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, यानी कि उसकी अर्निंग लास्ट टाइम इतनी अच्छी नहीं आई जितनी उसकी प्राइस है, तो वो आप उसको परचेज फिलहाल ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो डिविडेंड्स वगैरह भी देते हैं, तो उनकी वैसे लोगों ने उनकी वैल्यू एक थोड़ी सी हायर रखी होती है, जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर वगैरह, तो वो 12 की प्राइस अर्निंग रेशियो पे भी काफ़ी अच्छा होता है, और आजकल तो वो 9 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है, तो उस लिहाज से वो भी एक अच्छा शेयर है। तो ये एक और इंडिकेटर है। नॉर्मली जब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी अच्छी जा रही होती है, इकॉनमी अच्छी होती है पाकिस्तान की, तो उन दिनों जो है वो 12 to 13, 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी होते हैं शेयर्स, और वो सही नॉर्मल प्राइस उसकी समझी जाती है। जबकि आजकल काफ़ी नीचे हैं, तो ये एक इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि आप अभी परचेज करके रख लें, लेकिन आपको कुछ ईयर्स के लिए वो स्टॉक्स लेके रखने पड़ेंगे, ताकि जब थोड़े से हालात सही हों तो वो अपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही वाली पे जब आएंगे तो इतनी देर में उसकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ सकती है। अच्छा, अभी तीसरी चीज़ हमने देखी है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो ये होती है कि मसलन एक स्टॉक की प्राइस है 157 रुपीज़ और इसने लास्ट 4 क्वार्टर्स में जितने अर्निंग की है, ये अवेलेबल है 2023 की, लेकिन ये हमें 4 क्वार्टर्स की अगर टी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो अवेलेबल भी है 8 to 8.21, लेकिन ये लास्ट ईयर की है, अप टू 2023 4 क्वार्टर्स, तो बेहतर है कि आप लेटेस्ट को क्वार्टर तक उसको करें, तो उसके लिए पिछले 4 क्वार्टर्स की आपको जमा करनी पड़ेगी 6.59 प्लस 7.03 प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 15.5, और अगर हम इसको डिवाइड करें 157 डिवाइडेड बाय 15.5, तो ये तकरीबन इस टाइम पे 10 to 10 की प्राइस टू अर्निंग रेशो बन रही है। अब ये 8 की जो है ये पुरानी शो हो रही है और ये तकरीबन 10 की जो है वो अभी लेटेस्ट जो हमने कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से ये जो इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है ना, ये आप लेटेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फिर आपको लेटे इनका भी मिल जाएगा, EPCL का, TCR का मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखना होता है। इस रिटर्न ऑन इक्विटी है कि नेट इनकम जो है किसी भी कंपनी की, यानी कि आपकी जो जितनी भी अर्निंग्स है माइनस जो भी फिर मार्केटिंग कॉस्ट और ऊपर वाली कॉस्ट है उनको निकाल के,
डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि उसको हम डिवाइड करते हैं जो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसमें से माइनस करके उसके जितनी भी लाइबिलिटीज, उसके जितने भी उस पे वो कर्जे वगैरह हैं वो सब निकाल के, तो वो शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये होता है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, या नेट इक्विटी भी कह सकते हैं उसको। रिटर्न ऑन इक्विटी भी परसेंटेजेस में होता है, और ये भी एक उसी तरह की चीज़ है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट जो आपको अर्निंग्स आ रही हैं वो कितनी हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे अवेलेबल है, उनकी जो टोटल इक्विटी है उस पे कितना परसेंट वो जो है रिटर्न ले रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना ले रहे हैं वो, तो वो ये इन सब का जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी भी कंपनीज हैं। PIA का देख लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, इनका भी पॉजिटिव में ही चल रहा है क्योंकि इसको गवर्नमेंट फीड खा रही है ना कुछ, लेकिन ये वो एडजस्टेड नहीं होता ना, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो नहीं होता, नेट प्रॉफिट नहीं होता। नेट पे जब जाता है ना सारे एक्सपेंसेस निकाल के, फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर नेशनल फूड्स वगैरह का ये आ गया वेव्स का। इसके बाद पांचवें नंबर पे आती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कि कंपनी पे कितना डेब्ट है और उसको अगर इक्विटी से, कंपनी की इक्विटी से डिवाइड कर लें तो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो मैंने अभी आपको बताया तो वो कितनी है। अगर डेब्ट टू, ये भी परसेंटेज में होता है, मसलन अगर 14% है तो ठीक है, इक्विटी का सिर्फ 14% जो है वो डेब्ट है, वो एक अच्छी चीज़ है। जबकि अगर 50% है तो कंपनी पे डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी इनस्टेबल हो सकती है, फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स हो सकते हैं, वो एक्सपेंशन की ज़रूरत है या उसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो शायद उसके पास इतने फंड्स उस तरह से अवेलेबल ना हो या इतनी आसानी से वो चीज़ें वो कर ना सके, तो वो चीज़ भी इससे अफेक्ट होती है। तो ओवरऑल डेप्स का कम होना ये भी एक चीज़ देखनी होती है हमने फंडामेंटल एनालिसिस में, कि डेप्स बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो कंपनी ज़ाहिर है इनस्टेबल होगी, उस पर प्रेशर्स होंगे, और जब वो उसके फिर वो आपकी अर्निंग पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेप्स जो है वो विद इंटरेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो भी पेमेंट्स करनी होती हैं कंपनीज वगैरह ने, वो उसकी वजह से ओवरऑल अनस्टेबल ही होती है कंपनी। और ओवरऑल अगर जब डेप्ट वापस करना शुरू कर दिया तो उस वक्त भी जाहिर है वो प्रेशर तो है ना एक कंपनी के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया डेब्ट टू इक्विटी आ जाती है, उसके लिए नीचे आपने जाना है और ये सॉल्वेंसी में आपको ये सेकंड नज़र आ रहा है, इसमें टोटल डेब्ट, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है और ये टोटल डेब्ट है। तो ये एग्रो फर्टिलाइज़र का जो टोटल डेब्ट है वो सिर्फ 14% है जो इसकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, टोटल जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना इंक्लूडिंग एग्रो और फिर पब्लिक शेयर्स, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ 14% उसका डेब्ट है, यानी कि काफ़ी बहुत कम परसेंटेज है डेब्ट की, तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। जबकि EPCL जो इसी ग्रुप की कंपनी है, इसका मैं देख रहा था ये 117% इसका डेब्ट है, यानी कि वो पूरी उसकी जो प्राइस है ना उससे भी ज़्यादा इस पर का डेब्ट है। लेकिन अब इसके केस में ये स्ट्रांग, मैं इसको इसलिए कह सकता हूँ कि इसकी बैक पे ना एंग्रो कॉरपोरेशन है, जिसकी ये एंग्रो फर्टिलाइज़र भी कंपनी है, फिर EPCL है, फिर दो तीन और कंपनीज भी इनकी लिस्टेड हैं, फिर इसके अलावा इनकी कुछ अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं जो कि पूरी वो खुद एंग्रो ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉरपोरेशन वो उसको ओन करती है फुली। तो इस केस में ये जो डेब्ट है ये शायद ये हो सकता है कि ये इन्हीं कंपनीज़ का आपस में भी ना, जब दो तीन चार आठ कंपनीज होती हैं और एक बहुत अच्छी जा रही होती है और एक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती है, तो वो उन स्ट्रगल करने वाले टाइम्स में ना यही कंपनीज आपस में ही एक दूसरे को भी डेब्ट दे देती हैं। जैसे अभी एक सैफ पावर कंपनी है, उन्होंने अपने सैफ टेक्सटाइल्स को एक 1 बिलियन का जो है वो लोन दिया तकरीबन 8 साल के लिए इसका। तो इसके केस में, EPCL के केस में, तो मैं इसको इतनी बड़ी चीज़ नहीं समझूंगा, लेकिन ये कोई और कंपनी होती जिसपे उसकी टोटल कैपिटल से ज़्यादा, शेयर होल्डर इक्विटी से ज़्यादा ही उसका पूरा डेब्ट होता, तो ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता है, और फिर उसकी ये अर्निंग्स भी इतनी अच्छी शो ना हो रही होती। तो इस पे ज़ाहिर है कोई प्रेशर नहीं है, अगर ये डिफ़ॉल्ट भी करती है तो ज़ाहिर है आप अपनी कंपनीज हैं उनकी, वो फिर जो है वो काफ़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको, वो ये नहीं कि वो आके कब्जा कर लेगा कोई बाहर से इन पे। तो DCR ये डोलमेन सिटी रीट है, तो एक है ही बिल्डिंग, इसलिए इस पे इनकी फुली ओन्ड है, ये बहुत कम इन पे डेप्ट है। इसी तरह SPWL,
इसकी जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें भी किसी और कंपनी ने इनको जो है ना वो शॉर्ट टर्म डेब्ट दिया, रनिंग जो इनकी वो है कॉस्ट, शायद ये फ्यूल वगैरह की और ये वो हो, लेकिन लॉन्ग टर्म डेब्ट इसका भी नहीं है। लॉन्ग डेब्ट शॉर्ट तो ये पावर जनरेशन कंपनी है क्योंकि, तो ये पेमेंट्स को का कोई साइकिल चलता ही रहता होगा, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये PIA जो है इसका, ये इतनी ज़्यादा नुकसान में है और इसको गवर्नमेंट फीड कर रही है, इसकी अपनी इक्विटी तो रही नहीं है, तो इसलिए ये माइनस में इसकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि इनवैलिड वैल्यूज़ हैं सारी, तो इसका तो सोचना भी नहीं है। ये बस मैंने लिस्ट में इसलिए लिख रखा हुआ है कि एक वो बुरी एग्जांपल भी हमारे पास हो ना। और इसी तरह नेशनल फूड्स है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, लेकिन ये क्योंकि है वो खाने पीने वाली ही फूड इंडस्ट्री में, तो इनकी सेल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग है, तो इनकी अर्निंग अच्छी जा रही है, तो शायद ये उस लिहाज से कवर अप कर लेंगे। इनका भी लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो कम है, 40-50% है, और शॉर्ट टर्म जो कि शायद वो पेमेंट साइकिल करती हैं या कुछ 1-2 साल का जो है ज़्यादा है इनका, लेकिन ओवरऑल इनकी जब अर्निंग इतनी अच्छी है जा रही है तो फिर इतना मसला नहीं है, नेगेटिव में कहीं पे भी नहीं गई। लेकिन बहरहाल ये मसलन एग्रो फर्टिलाइज़र EPCL वगैरह के अगेंस्ट, स्पेशली एग्रो फर्टिलाइज़र के अगेंस्ट ये जो है बहुत अनस्टेबल समझी जाएगी उस डेप्ट की वजह से। अच्छा, इसी तरह वेव्स है, फिर वेव्स जो है इसका डेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है इनका, बल्कि ओवरऑल इसका भी ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म जो है वो 14% है और ओवरऑल जो है वो 54% है, तो यहाँ से आप डेप्ट की वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, डेप्ट टू इक्विटी ये, बल्कि साथ और भी चीज़ें हैं डेप्ट की और एसेट्स की क्या रेशो वगैरह है, तो ये रेशोज़ भी कंसिडर कर सकते हैं आप। अच्छा, नंबर 6, ग्रॉस मार्जिन। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ये होता है कि जो कंपनी की प्रोडक्ट की जो प्योर कास्ट है ना, प्रोडक्शन की, उसको हम माइनस करते हैं उसकी सेलिंग प्राइस से। इसमें मार्केटिंग और अदर एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, वो शामिल नहीं होता। तो मसलन अगर 100 रुपये की चीज़ बिकती है और वो 60 रुपये की बनती है, तो वो उसका ग्रॉस मार्जिन 40% है, 40 रुपीज़। और अगर उसमें से फिर मार्केटिंग के एक्सपेंसेस मसलन 15% हो गए, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10% हो गए, फिर और उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह कोई अगर मसलन 10% वो भी हो गए, तो 24% ये हो गया। और फिर वो पीछे जो भी 16% या जो भी कैलकुलेशन है, जो पीछे बचेंगे ना एंड में, वो फिर प्योर नेट मार्जिन होता है। तो ग्रॉस मार्जिन भी देखना होता है, और फिर अगर नेट मार्जिन भी अवेलेबल हो तो वो तो और अच्छी चीज़ है। तो ग्रॉस मार्जिन तकरीबन जो है ना 30-40% तो होना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसमें बाकी सैलरीज और ये वो चीज़ें आ जाती हैं। ये खैर इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज डिफर भी कर सकता है। ग्रॉस मार्जिन अगर आप नीचे जाते जाएं तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको नज़र आएगा ये, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मसलन एग्रो फर्टिलाइज़र का 36% है। इसी तरह जब आप देख लेते हैं एग्रो पॉलीमर का, तो इनका कम है 25% और 11% इनका नेट प्रॉफिट है। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट अगर DCR का देख लें, तो ये क्योंकि एक वो रेंटल है, इसमें कोई प्रोडक्ट का बनाना है या उस तरह की चीज़ नहीं है, तो इसमें ये एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर SPWL जो है ये यूनिट्स वगैरह इनकी बनती है और फिर वो सेल होती हैं, तो ये देखें बनने पे तो इनको काफ़ी मार्जिन है, लेकिन आगे फिर जो उनके टैक्सेस वगैरह निकाल के फिर उनका मार्जिन काफ़ी कम रह जाता है। और PIA की सर्विसेज है, सर्विसेज पे भी इनका होगा, लेकिन ये अब प्रॉफिटेबिलिटी इनकी माइनस में, ग्रॉस तो इसका मतलब है वो 0-0 ही है, यानी कि जितनी उनकी ट्रैवल लोग करते हैं उतना ही तकरीबन उनके वो हैं फ्यूल पे तो उनका पूरा हो जाता है, लेकिन फिर ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी और वो करके ना, तो ये देखें कितना ज़्यादा 50% तक वो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है ना उन पे लगा देते हैं। अब इसमें मार्केटिंग तो उनकी नहीं होगी, ये ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होनी है और उनको जो एक्स्ट्रा वो बेनिफिट्स दिए हुए ना उन्होंने। खैर ये PIA पे कितना रोए बंदा, पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गन है वो है पब्लिक के पैसों पे जो चल रही है। अच्छा, नेशनल फूड्स इनका जो है ये ग्रॉस मार्जिन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन नेट पे आते हुए काफ़ी कम रह जाता है। इनके भी कुछ होंगे मार्केटिंग वगैरह के एक्सपेंसेस और बाकी एक्सपेंसेस, फिर भी ठीक है 7.39।
वेव्स, इनका भी ग्रॉस मार्जिन जो है, अच्छा इनका ग्रॉस मार्जिन ही काफ़ी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट मार्जिन तो बहुत ही कम है जो एंड में शेयर होल्डर्स और उनके पास बैठता। तो इस तरह से आप इसकी बेस पे भी जज कर सकते हैं। मतलब आप वेव्स के मुकाबले में अगर आप एंग्रो फर्टिलाइज़र को देखें तो ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। वो 15% प्योर उनका जो सब कुछ देने के बाद जो प्योर उनका प्रॉफिट बनता है ना, वो 15% बनता है हर 100 रुपीज़ पे। और इनका जो है वो 2.85% बनता है। तो ये ज़ाहिर फ़र्क तो है। इसी तरह नेशनल फूड्स का वेव से तो ज़्यादा है, लेकिन एग्रो फर्टिलाइज़र के मुकाबले में इसको काफ़ी कमज़ोर समझा जाएगा। तो क्योंकि ये अब काबू पा सकते हैं, इन्होंने वो सेंटर में जो 20% वो जो एम्प्लाइज़ की सैलरी और मार्केटिंग वगैरह उस पर काफ़ी रखा हुआ है। तो खैर ये चीज़ है। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी पे आउट्स वगैरह देती है अपने शेयर होल्डर्स को। पे आउट्स में डिविडेंड्स और बोनसेस आते हैं कि हर कुछ अरसे बाद वो डिविडेंड्स वगैरह दे रहे हैं या फिर बोनसेस दे रहे हैं, तो फिर एक अच्छी चीज़ है। और ख़ासकर डिविडेंड्स जो है, कैश डिविडेंड्स, या फिर अगर डिविडेंड्स नहीं दे रहे तो हर साल उसकी शेयर की प्राइस बढ़ी है या नहीं। अगर तो बढ़ी है तो इसका मतलब है कि हाँ, प्रॉफिट्स प्रॉपरली एडजस्ट हो रहे हैं। और अगर बढ़ नहीं रही तो क्यों नहीं बढ़ी, वो क्या एक्सपेंशन के लिए, मसलन एक जगह पे लोकेशन ए पे उनकी एक फैक्ट्री है, वो लोकेशन टू पे अगर एक फैक्ट्री बना रहे हैं तो जाहिर है वो उस पे एक्सपेंस कर रहे हैं, उसका फायदा तो होगा फ्यूचर में जब वो भी ऑपरेट करना शुरू कर देगी। तो अगर तो उस वजह से नहीं बढ़ी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिविडेंड्स भी नहीं दे रहे, उसके अलावा उसकी फिर वो प्राइस भी नहीं शेयर की बढ़ी, तो फिर उसमें कुछ है कि उनके मार्जिन ही कम है, उनको नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं 7th नंबर पे, डिविडेंड्स एंड बोनसेस जो जिसकी अभी बात हुई है। तो वो डिविडेंड्स वगैरह जो है ना, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये उसी पेज पे नीचे, ये डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। मसलन अगर आप वैसे जाते हैं ना ऑफिशियल जो डिविडेंड, मसलन वो कहते हैं 20% का हमने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो वो 10 रुपीज़ का 20% होता है हर शेयर के अगेंस्ट। मसलन आपका शेयर बेशक 157 है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है ना कि वो 20% किया, तो उसका मतलब है कि 2 रुपये। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 18% का मतलब है कि वो जितने आपकी इन्वेस्टेड मनी है ना, या फिर वो जो शेयर की प्राइस थी उस वक्त, उसके अगेंस्ट उन्होंने 18 रुपीज़ दिए हैं पूरे साल में। तो ये उस तरह डिविडेंड यील्ड में कन्वर्ट करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा रिलायबल परसेंटेज है, ये आपकी पूरी इन्वेस्टेड मनी पे, यानी कि आपने 2019 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया था शुरू में, तो आपको पूरे साल में 18,000 मिले होंगे, इसी तरह 20 में 20,000 मिले होंगे, फिर 21 में 23,000 मिले होंगे। तो ये वो चीज़ है, ये वो वाली परसेंटेज है। तो ये ज़्यादा रिलायबल है उस लिहाज से। तो यही परसेंटेज जो है, इसको दूसरी टर्म्स में देखने के लिए आपको फिर उधर ही जाना पड़ेगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मसन ये है dps.psx.com.pk। तो इसमें आप मसन यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र सर्च कर लें। ये मेरा तो बहुत फेवरेट स्टॉक है, वापस मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र पे ही जाता हूँ। चलो जी, अब ये हमारी बारी आई तो ये साइट भी डाउन हो गई। तो ये दूसरे टर्म्स में आपको डिविडेंड यहाँ पे नज़र आ रही है। मसन इन्होंने 80% दिया था अप्रैल 18 को, अभी रिसेंटली इन्होंने 80% दिया। अब 80% से अब आपने ये नहीं लेना कि इसके शेयर की जो प्राइस है वो मसन 150 रुपये थी उस वक्त, तो फिर उसका 80% कहीं आपको मसलन मिल गया 80 रुपये। 80 रुपये नहीं, ये फिर वो उसकी फेस वैल्यू का 80% है, जो कि आप वो जो दूसरा पेज था ना, वहाँ से आप देख सकते हैं फेस वैल्यू। ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ स्टॉक्स की 10 रुपीज़ ही होती है, तो ये 10 रुपीज़ का 80% है, यानी कि पर शेयर आपको 8 रुपीज़ मिले होंगे। फिर उस लिहाज से यही वाली परसेंटेज ज़्यादा बेहतर है ना, ये फिर वो पूरी वैल्यू की परसेंटेज होती है। तो एक चीज़ तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा, कुछ कंपनीज बोनसेस भी देती हैं, आप बोनसेस का ना यहाँ पे कोई वो रिकॉर्ड नहीं है, उसको देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। जैसे MTL वाले काफ़ी बोनस देते हैं, तो उनके उनका देख लेते हैं, मिलर ट्रैक्टर्स। तो MTL का पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, वैसे उनकी 5 ईयर्स की प्राइस हिस्ट्री वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो ये MTL के पेज पे आप जब पहुँचे तो ये आपको मिलेगा, ये डिविडेंड मसन आपका, उन्होंने February 27, 2024 को उन्होंने लास्ट डिविडेंड दिया था 25 रुपये का,
इसी तरह 15 रुपये का ये दिया था। अब ये ना 50% बोनस है, ये अब जो है ना वो जितने आपके शेयर्स आपके पास होते हैं ना उनका परसेंटेज होती है। मसलन आपने 1,000 शेयर्स रखे हुए हैं मिलर ट्रैक्टर के, तो आपको उन्होंने उठा के वैसे ही ना 500 शेयर और दे दिए ये लोग, तो ये बोनस एक और ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और दूसरा अगर यहाँ पे 100% 10% बोनस ये दिया, 20% ये दिया, यानी कि 1,000 पे 100, 1,000 पे 200, और इस तरह ये मिलर ट्रैक्टर वाले ना साथ साथ बोनसेस भी देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, और ये मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था शायद आगे जाके दे भी दें, लेकिन असल में मसला ये हुआ है कि अभी रिसेंटली बोनसेस पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। तो बोनस जो होता है असल में वो शेयर ही स्प्लिट हो रहा होता है, तो वैसे उसकी प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाती है, लेकिन जब बोनस मिलता है तो वो असल में स्प्लिट हो रहा होता है। जैसे 50% का मतलब है कि वो 3 हिस्सों में स्प्लिट करके ना, तो वो तीसरा हिस्सा दोबारा से उन्होंने आपको दे दिया। लेकिन ये है कि वो एक परसेप्शन बनी हुई होती है कि ये मसलन 600 का शेयर है तो वो 400 पे जाएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी 600 पे वापस आ जाता है इन नो टाइम, तो उस तरह से आपको फ़ायदा होता है। खैर ये एक और डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में भी, बोनस किस तरह काम करते हैं वो मैं अलग लेके आऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो आप ये वाले इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है एक तो आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो dps.psx.com.pk उनका जो डाटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और उसके अलावा फिर ये जो दूसरा ये जो SCS ट्रेड के पेजेस दिखा रहा था ना, यहाँ से आपको डिविडेंड की प्रॉपर परसेंटेज जो है वो मिल सकती है कुछ पिछले सालों की। नंबर 8 पे आता है कि कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है अपनी किसी भी इंडस्ट्री में। मतलब सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है तो वो सीमेंट वगैरह बनाने में जो है वो कितनी एक्सपीरियंस है, कितनी पुरानी कंपनी है। अगर पुरानी कंपनी है काफ़ी तो उसकी सेल्स वगैरह नेटवर्क डेवलप हुआ होगा, उनको तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का पता होगा, फिर उनको ये पता होगा कि अपनी कॉस्ट किस तरह कम करनी है और कहाँ कहाँ मतलब सेल्स वगैरह किस तरह करनी है और ये वो, तो ओवरऑल उनका जो वो है ना स्ट्रांग कंपनी होगी। लेकिन अगर कोई न्यू एंट्रेंट है तो उस पर इतना ज़्यादा हम इस तरह से रिस्क वगैरह नहीं ले सकते, और अगर वो पुरानी है ज़ाहिर है एक्सपीरियंस है तो उसका डाटा भी आपके पास होगा, फिर आप उसको देख भी सकते हैं कि वो ओवरऑल किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो चांस यही है कि आगे उसका एक तो मार्केट शेयर भी वही रहे और वो अच्छी परफॉर्म करती रहे। नई कंपनी का कुछ पता भी नहीं होता वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, वो शुरू में तो कुछ चले क्योंकि शुरू में तो फंड्स होते हैं उनके पास और बाद में फिर वो नुकसान में जाने लग जाए, तो ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये नहीं कि नई कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, नई में फिर आप थोड़ा सा कम रिस्क ले लें, थोड़े कम में इन्वेस्ट कर लें। कुछ जो है वो अगर किसी इंडस्ट्री में कोई अच्छा प्लेयर पहले से है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है तो उसमें इन्वेस्ट कर लें। जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर में काफ़ी कंपनीज हैं, 6-7 हैं शायद, तो उसमें एक एंग्रो और एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये एंग्रो की दो हैं, उसमें कर लें इन्वेस्ट, या फिर आप उसमें कर सकते हैं फौजी फर्टिलाइज़र, काफ़ी पुरानी कंपनी है और बड़ी कंपनी है। ये मैं कोई मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, ये बस एग्जांपल्स हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं। आपने जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च के थ्रू करना है, अपनी रिसर्च रिसर्च की बेस पे करना है, और ये देख के करना है कि उनकी प्राइस वगैरह इस वक्त सही प्राइस पे हो वो शेयर। अच्छा, एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक सेक्टर किसी भी कंपनी का, उसके लिए आप एक तो यहाँ पे अगर ये पढ़ें तो यहाँ से आपको शायद पता लग जाए कि वो कब से कंपनी काम कर रही है, फिर कंपनी की रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। रिपोर्ट के लिए आप अगर जाएंगे वेबसाइट पे तो ये सेक्शन है फाइनेंशियल्स पे आउट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यहाँ पे क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स ना आपको कुछ मिल जाती हैं, इनमें काफ़ी कंपनी की डिटेल्स वगैरह होती हैं। तो ये आपको PDF फॉर्मेट में आप किसी भी कंपनी के पेज पे चले जाएंगे, ये जैसे MTL की लिस्टेड है सारी, इसी तरह अगर आप कोई और देखना चाहें एंग्रो फर्टिलाइज़र की देखना चाहें तो उसका पेज ओपन करेंगे जब, सो वो सारी जो है इधर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अवेलेबल होती है। ये बल्कि 10 एंट्रीज हैं, अगर आप इसको अंडर्ट कर लेंगे तो वो आपको सारी पुरानी नज़र आने लग जाएंगी। अच्छा, सबसे फाइनल पे फिर आपने रिपोर्ट्स वगैरह कंपनी की पढ़ सकते हैं, उसमें उसके के जो भी चैलेंजेस हैं कंपनी के, उनके फ्यूचर के एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं, वो रिसर्च में कितना तवज्जो दे रही है, और वो जो इंडस्ट्री है मसलन IT की इंडस्ट्री की कंपनी है या टेलीकॉम की, तो उसके लिए उसके रिसर्च के फंड्स वगैरह ज़्यादा होने चाहिए। जबकि एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है तो उनको तो पता है किस तरह सीमेंट बनाना है, उनका तो बिकता रहेगा, लेकिन IT की कंपनी के लिए उनको जब तक वो रिसर्च वगैरह ये वो नहीं करेंगे और नए ट्रेंड्स पे वो तवज्जो नहीं देंगे तो वो फिर
फ्यूचर में जाके वो पीछे भी रह सकते हैं, तो ये वाली चीजें भी देखनी होती हैं। तो रिपोर्ट्स में भी काफी डिफरेंट एग्जेक्टिव्स वगैरह के थॉट्स और उनकी जो रिपोर्ट होती है वो पढ़ ले से भी ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं। इसमें फ्यूचर प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह आते हैं। अच्छा, ये फाइनल में रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स का मैं जैसा कि आपको फाइनल बता ही चुका हूँ कि ये कि एग्रो फर्टिलाइज़र या किसी भी उस पर आएंगे और नीचे आएंगे तो ये आपको सारी क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो शुरू शुरू में स्पेशली आप इन रिपोर्ट्स को भी पढ़ें जिस चीज़ का मनी में आप करते हैं इन्वेस्ट, और फिर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स अनाउंस होना तो यहाँ पे आके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मुझसे नाप आ जाएँ। यहाँ पे आके जैसे ही वो उनकी मीटिंग जो क्वार्टरली होती है या एनुअल, तो उसमें आके आप यहाँ पे आएंगे ना, तो मसलन इसका जो PDF है उसको आप ओपन करें। ये तो खैर इन्होंने ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट दे दी है, ये अक्सर जब क्वार्टरली दे रहे होते हैं तो वो उसमें फिर वो उसी दफ़ा की कितना अर्निंग पर शेयर हुआ ये वो इन रिपोर्ट्स वगैरह में भी बता रहे होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ तक है उसके लिए यही चीज़ें हैं कुछ। अच्छा, इन इन सब चीज़ों का आप अगर ख्याल रख लेते हैं और फिर एक अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे आप अगर शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी प्राइस अगर किसी वजह से ऊपर नीचे भी जाती है तो आप लोग उस शेयर को रख सकते हैं अपने पास बेफिक्र होके। बस आपने ये एनालिसिस कर लिया कि कंपनी स्ट्रांग है तो फिर उसकी प्राइस चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या किसी वजह से वो कंपनी अगर प्रॉफिट में रहती है तो आपको फायदा ही होगा बाद में। आपको बस ये है कि आपने अपना होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना है, 4-5 साल तक का रखना है या इवन 10 साल का, तो ताकि अगर आप प्राइस किसी वजह से नीचे भी जाती है तो वो बाद में आप जब ऊपर आती है तो वो उसको कैश आउट कर सकें, या फिर अगर डिविडेंड्स वगैरह वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर लें तो फिर तो और अच्छा है। वो साथ साथ जो भी अगर प्राइस नीचे भी जाए तो डिविडेंड्स जो है उसको कवर अप करते रहते हैं। तो बस आपने एक अच्छी कंपनी चूज करनी है फंडामेंटल एनालिसिस करके, फिर आपको ये डे बाय डे जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना उस पर नज़र रखने की भी ज़रूरत नहीं है या उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की और वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे, और दूसरा एक और सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूँ जिसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स को देखते हैं और हर सेक्टर में जो बेस्ट एक दो कंपनीज होती हैं वो बताते हैं कि ये डिविडेंड्स या बोनसेस के लिहाज से सबसे अच्छी कंपनीज है जो कि ईयरली या क्वार्टरली जो है वो डिविडेंड्स दे रही हैं। तो वो भी कोई 13-14 वीडियोस हो चुकी हैं, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा इसलिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और भी सेक्टर्स जितने हैं वो सारे के सारे कवर करने कोई 8-10 ही रह गए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।